अब इसमें क्या था, ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि देखो इसमें था डबल कैपेसिटर की वायरिंग, और डबल कैपेसिटर की वायरिंग में क्या हुआ है, इसमें इसका ना ये थिम्बल हिट हो गए, ये मेन था ना, देखो ये पूरा जल गया, ये इसलिए नहीं चल रहा है, ये देखो मेन थे ना इसमें, ये जल गया पूरी अच्छी तरीके से, इसकी वायरिंग क्या लूज़ हो गई कॉन्टेक्ट की, तो इसमें जल गई। इसमें डबल कैपेसिटर रहते हैं, ये स्टार्टिंग का, ये रनिंग का, तो क्या होता है रनिंग स्टार्टिंग दोनों एक साथ काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बंद हो जाते हैं, तो ये इसलिए काम नहीं कर रही थी इसकी, ये टर्मिनल जल गई है। अब टर्मिनल जल गई तो अब क्या करेंगे अपन इसको, ये बदलने पड़ेंगे ये सब के सब। क्या ये हो गया तो अपन इसके कंप्रेसर का ढूंढेंगे पहले, इसमें रनिंग कौन सा दिखा रहा, लाल वाला कंप्रेसर का, ये लाल वाला ठीक है ये, और कॉमन दिखा रहा है नीला वाला, ठीक है नीला वाला, और स्टार्टिंग दिखा रहा सफ़ेद वाला। तो अभी क्या करेंगे अपन, स्टार्टिंग का लगाएंगे, ये सफ़ेद वाला दिखा रहा है कंप्रेसर पर लिखा हुआ, देखो रनिंग स्टार्ट और कॉमन दिख रहा है लिखा हुआ, इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। स्टार्ट वाला कहाँ जाएगा, अभी रनिंग कैपेसिटर में, ये अपन ने लगा दिया रनिंग कैपेसिटर में, ये लग गया एक स्टार्टिंग पॉइंट वाला, ठीक है ये चला गया काय पर कंप्रेसर, ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट कंप्रेसर का बन गया। अब कंप्रेसर को क्या देना पड़ेगी अपन को, कॉमन पॉइंट, कॉमन इसमें से कौन सा, सेकंड वाला कॉमन पॉइंट है, तो ये सेकंड वाले कॉमन पॉइंट पे ढूंढना पड़ेगी अपन को कौन सा, ये सेकंड, इसमें ये लगा दिया अपन ने सेकंड वाले को कॉमन पॉइंट, ये कौन सा हो गया इसमें स्टार्टिंग और कॉमन, और ये रनिंग वाला है ना, ये रनिंग वाला, ये अपन क्या करेंगे इसके फेज में से लेके एक कैपेसिटर को दे दिया रनिंग, जे हो गया, और एक नीचे से उठा लिया डायरेक्ट अपन इसको कहाँ दे देंगे, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो कंप्रेसर का एक दे दिया अपन ने कैपेसिटर को, ये रनिंग, जे रनिंग हो गया, जे स्टार्ट हो गया कंप्रेसर का, ये हो गया कॉमन, आ रही समझ में, ये रनिंग, ये डायरेक्ट फेज मिल गया, ये वाला स्टार्ट और ये वाला कॉमन। अब अपन ये एसी चला के देखेंगे ये कितना करंट ले रहा है, क्या ले रहा है, सही चला तो समझ लो कंप्रेसर सही है, और नहीं चला तो समझ लो कंप्रेसर क्या। अब कंप्रेसर चालू करते हैं, कंप्रेसर हो गया स्टक, ले रहा 44-45 एम्पियर। अब दोबारा चालू करके देखेंगे, फिर भी देखो स्टक हो गया। अब ये स्टक हो गया तो समझ लो ये कंप्रेसर का बचना मुश्किल है। ये कंप्रेसर हो गया स्टक, अब स्टक हो गया यानी 45-46 एम्पियर उठा रहा, तब क्या करेंगे अपन, ये स्टार्टिंग का भी लेंगे, ये दो रनिंग कैपेसिटर भी लेंगे, अब इन सबको एक साथ वायरिंग कर लेंगे जैसे करते हैं, फिर इसको करेंगे तो ये साथ चालू हो जाए। चालू हो गया तो फिर अपन रिले लगा के इसमें क्या करेंगे, वही वैसे ही सिस्टम कर देंगे, पहले इसको एक साथ टॉर्क दे के देखते हैं, 60-60 के दो हैं, 100 का एक है, यदि स्टार्ट हो गया तो अपना कंप्रेसर ये बच जाएगा, नहीं तो स्टक होने पर कंप्रेसर बहुत कम चांस होते हैं कि चालू हो। अब इनकी वायरिंग कैसे होगी, एक फेज जहाँ आएगा और यहाँ चला जाएगा, यहाँ तीनों में एक फेज़ हो जाएगा, वो तीनों का स्टार्टिंग टॉर्क एक ही बना लेंगे, एक दो तीनों का, ऐसे सीरीज बनती है ना, एक दो तीनों का बन जाएगा ये, और ये कंप्रेसर का न्यूट्रल पॉइंट कॉमन पॉइंट यहाँ लगा रखा है, ये रनिंग है ये स्टार्ट है। अब इसको चालू कैसे होगा ध्यान से देखना होगा। चालू कर, चालू दोबारा चालू कर, हाँ कंप्रेसर स्टार्ट होगा, बढ़िया चल रहा, जान दे जान दे जान दे, सही चलगा बस, हाँ चलगा। एक कंप्रेसर अपना मतलब, अब ये स्टक कंप्रेसर था, ये चालू हो गया। ये चालू हुआ कैसे, वो तीनों कैपेसिटर एक साथ लगाए थे ना अपन ने, वैसे हुआ ये, ठीक है। अब देखते हैं अंदर क्या होता है इसमें, मतलब एकदम सही था, क्या था कारण, क्या था इसमें, मतलब स्टक कंप्रेसर अपना बच गया, ये मतलब सही है, चालू हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही कंडीशन में, एकदम रियल कंडीशन में था ये, तो ज़्यादा देर नहीं होती थी, तो ये बच गया था, ठीक है। इसको तीन कैपेसिटर का धक्का मार के इसको चालू किया था, अभी कितने ले रहा है, 7-8, 6-7, 7-8 एम्पियर ले रहा है, रिटर्न भी बराबर आने लगी इसमें, बराबर काम कर रहा है, एकदम ठंडा कर देगा ये, यानी कंप्रेसर अपना बच गया, स्टक होते होते बच गया। अपन ने तीन कैपेसिटर एक साथ लगा ली, इसलिए ये उठ गया, बहुत कम चांस होते हैं कि ये उठे बचे।